हाय गाइस, आपका स्वागत है टीएनजी गेमिंग चैनल पे। आज हम करने वाले हैं गेमिंग कंपैरिजन हमारे दो फ्लैगशिप पॉपुलर डिवाइसेस के बीच। एक है हमारा वन प्लस 7 प्रो और दूसरा है हमारा सैमसंग का S10 प्लस। इन दोनों डिवाइसेस के अंदर हम आधा आधा घंटा गेम खेलेंगे, आपकी फेवरेट पबजी खेलेंगे और पबजी को हम दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम सेटिंग्स पे खेलेंगे, HDR ग्राफिक्स के अल्ट्रा हाई फ्रेम रेट पे। उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों में से किसके अंदर हमें ज़्यादा हीटिंग प्रॉब्लम मिलती है, दोनों में से किसके अंदर हमें कैसी परफॉर्मेंस मिलती है, मतलब किसी में लैगिंग है या नहीं है, और उसके साथ देखेंगे कि बैटरी कंजप्शन किसका ज़्यादा है किसका कम है। सो ओवरऑल गेमिंग टेस्ट होगा आज इन दोनों डिवाइसेस का। आगे आपके लिए ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा लेटेस्ट आया है वन प्लस 7 प्रो, इससे स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले टेम्परेचर ले लेते हैं वन प्लस का। आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर आया 32.4 डिग्री और इस समय हमारी बैटरी परसेंटेज है 80% पे। और ये आप देख सकते हैं मैंने गेम को ऑन किया है तो हमारा गेम मोड ऑन हो गया, जिसके अंदर हमारा फिनेटिक मोड भी है एक। इससे हमारे बैकग्राउंड एप्स सारे बंद हो जाएंगे, हमारा नेटवर्क बूस्ट हो जाएगा, अब बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगे गेम खेलते समय और आपको बढ़िया स्पीड मिलेगी, मतलब GPU भी हमारा बूस्टअप हो जाएगा, CPU भी हमारा बूस्टअप हो जाएगा ताकि बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस हमें मिले। सो ये मैंने ऑन कर दिया है और इस समय आप देख सकते हैं कि पबजी हम खेल रहे हैं HDR के अल्ट्रा हाई फ्रेम रेट पे। तो चलिए फटाफट से शुरू करके देखते हैं हमें कैसी परफॉर्मेंस मिलती है। सबसे पहले तो गन्स लेना बहुत ही जरूरी काम होता है और कुछ कुछ गन्स मिल गई हैं। बेसिकली तो इस डिवाइस का जो डिस्प्ले है वो बहुत ही प्यारा है, इसके अंदर हमें फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, तो ब्राइट कलरफुल डिस्प्ले है, मतलब गेम खेलने में काफी मजेदार लगता है। और उसके साथ हमें इसके अंदर अल्ट्रा फुल व्यू डिजाइन मिलता है, तो मतलब कोई नॉच नहीं है, कोई वाटर ड्रॉपलेट डिजाइन नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा ऑल डिस्प्ले है। और बीजल्स भी आप देख सकते हैं कि अभी गेम खेलते समय हमारे कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही कम बीजल्स हैं। इसका डिवाइस का डिस्प्ले एक्चुअल में बहुत ही बढ़िया है। और अभी आप देख सकते हैं हमें परफॉर्मेंस भी ठीक मिल रही है इस डिवाइस के अंदर, हमारी गेम के अंदर कोई भी लैगिंग नहीं आ रही है, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रहा, एकदम स्मूथली गेम चल रही है, मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ मिल रहा है हमें इसके अंदर। साथ ही इस डिवाइस के अंदर हमें वैसे 10 लेयर कूलिंग टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसकी मदद से जब भी आप गेम खेल रहे हो या फिर आप चार्ज कर रहे हो उस डिवाइस को या फिर आप चार्ज करते हुए गेम खेल रहे हो, जो कि मैंने किया था, और उसमें भी डिवाइस के अंदर हमें हीटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती है, डिवाइस हमारा काफ़ी कूल डाउन रहता है। और अभी भी मैं गेम खेल रही हूँ तो मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि डिवाइस हीटअप हो गया है। और ये मेरे को मार दिया गया। सो गेम हमारी खत्म हो गई लेकिन पूरे आधे घंटे के आसपास ही हुई है।
सो टेम्परेचर ले लेते हैं डिवाइस का. आप देख सकते हैं टेम्परेचर आया 38.1 डिग्री और इस समय बैटरी परसेंटेज अगर हम देखें तो वो आई है 72% पे. अब फटाफट से सैमसंग S10 प्लस के अंदर गेमिंग स्टार्ट करते हैं. इसका टेम्परेचर आप देख सकते हैं हमारा आया 30.2 डिग्री और इस समय हमारी बैटरी परसेंटेज है 86% पे. इसके अंदर आप देख सकते हैं हम सेम सेटिंग्स पे गेम खेल रहे हैं HDR के अल्ट्रा हाई फ्रेम रेट पे. तो खेल के देखते हैं कि इसके अंदर कैसी परफॉर्मेंस मिलती है और हीटिंग इशू आता है या नहीं आता. फटाफट से इसके अंदर भी हम गन को ढूंढें. गन मिलनी बहुत ज़रूरी होती है वरना ऐसा होता है कि आपकी गेम शुरू हुई और सीधा ख़त्म हो गई. आगे बढ़ते हैं. मैं सेफ जोन से काफी दूर हूं तो मुझे काफी देर तक भागना पड़ेगा सेफ जोन की तरफ ताकि गेम तो मैं आधा घंटा खेल सकूं. कहीं यही गेम खत्म हो गई तो क्या फायदा. और डिस्प्ले भी इसका हमारा काफ़ी सही है, ब्राइट कलरफुल डिस्प्ले है. और ये स्नो एरिया में मैं आजकल गेम्स खेलती हूँ, ये वाला मैंने मैप ऑन किया है. खेलने में भी मुझे ये ज़्यादा बढ़िया लग रहा है. थोड़ा सा डिवाइस जैसे होल्ड करा हुआ तो मुझे हीटिंग फील हो रही है इसके अंदर, बैक बॉटम की साइड फील हो रही है. वैसे तो ग्लास बॉडी में ऐसा होता ही है कि आपको थोड़ी हीटिंग फील होगी डिवाइस के अंदर, बट अभी मैं टेम्परेचर ले ही लूंगी. आधा घंटा ऑलमोस्ट हो ही गया है और गेम हमारी खत्म होने वाली है तो अभी सीधा इसको खत्म करके ही टेम्परेचर ले लेंगे. परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि स्मूथ है इसके अंदर भी हमारी, एकदम आराम से स्मूथली हमारी गेम चल रही है बिना लैगिंग के, बिना हमारे किसी फ्रेम ड्रॉपिंग के. तो ये हम जीत गए गेम को, मेरी टीम ने मार दिया सबको. और टेम्परेचर ले लेते फटाफट से. आप देख सकते हैं टेम्परेचर 41.3 डिग्री आया है, इसलिए मुझे थोड़ा हीटअप भी लग रहा था डिवाइस. और इस समय बैटरी परसेंटेज अगर हम देखें तो वो आई है 75%. सो दोनों ही डिवाइसेस के अंदर हमें बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस मिली, दोनों एक्चुअल में देखा जाए तो बिल्कुल बराबर है. अगर हीटिंग इशू की बात करें तो जो हमारा OnePlus 7 Pro है इसके अंदर जो हमें 10 लेयर कूलिंग टेक्नोलॉजी मिलती है वो हमारी काम कर रही थी और डिवाइस का टेम्परेचर सिर्फ 6 डिग्री राइज किया, तो वो तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है. लेकिन जो हमारा Samsung S10 Plus है इसको होल्ड करने में फील हो रहा था कि ये थोड़ा हीट हो गया है और आधे घंटे की गेमिंग में ये 11 डिग्री राइज किया इसका टेम्परेचर. उसके बाद अगर हम दोनों के बैटरी कंजम्पशन की बात करें तो वो भी सेम आया है. OnePlus के अंदर हमारी 12% बैटरी लगी है और Samsung के अंदर हमारी लगी है 11% बैटरी. तो बैटरी कंजप्शन सेम है, बस कूलिंग और हीटिंग इशू की बात अगर करें तो OnePlus हमारा ज्यादा बेटर रहा.
सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।